जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब। एक सूचना आई है उन सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को लेकर जो शोध पत्र लिखते हैं या लिखने की रुचि रखते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं अपना एक शोध पत्र। तो ये सूचना आई है आपके लिए, क्योंकि होने जा रही है एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, या कह लीजिए संगोष्ठी, या कह लीजिए कॉन्फ्रेंस, या कह लीजिए विमर्शों के दौर में ऑफलाइन माध्यम की संगोष्ठी, ऑन नहीं ऑफलाइन। ठीक है, हो चुका है सब कुछ ऑन, तो अब ऑनलाइन हो गया है बंद, अब ऑफलाइन संगोष्ठी की होगी बातचीत। उसी दौर में ये संगोष्ठी होने जा रही है भारत में 27 और 28 अप्रैल के दिन। शाम तक चलेगी, सुबह से शाम तक, रात को नहीं होगी, रात को विश्राम होगा। डेट है 27 और 28 अप्रैल और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है आपको 20 अप्रैल तक। कब तक? 20 अप्रैल तक। और साथ ही साथ यदि आप इसमें होना चाहते हैं शामिल, देनी होगी कुछ फीस। फीस की जानकारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के आगे जब हम बात करेंगे। लेकिन 22 अप्रैल तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है इंक्लूडिंग फीस के साथ, ठीक है ना। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देनी है वो वहां मिल जाएगी, जो जानकारी मुझे वीडियो में देनी है उसको आपको सुनना होगा, ठीक है। और यदि आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर है, रिटायर्ड है, शिक्षक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो सभी प्रकार के लोग इसमें हो सकते हैं शामिल। इसके अलावा यदि आप सोशल वर्कर हैं, यदि आप सोशल वर्कर हैं, एक्टिविज्म करते हैं और असिस्टेंट एसोसिएट रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर हैं, तो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के विद्वान जन इसमें हो सकते हैं शामिल। और विषय बड़ा अच्छा है, धर्म और विज्ञान को लेकर चलता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद दिलाता है, जिनका एक कोट था 1954 के उनके निबंध धर्म और विज्ञान का, जो कि मेरा नहीं है, उन्हीं का है, कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि थीम बड़ा अच्छा है, थीम है इसका, यानी कि ये विषय का टाइटल है। फिर हम बात करेंगे सब टॉपिक्स की जिन पर आप अपना शोध पत्र लिखकर भेजेंगे। शोध पत्र का फॉर्मेट आपको मालूम है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जानकारी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मिल जाएगी या संस्थान की वेबसाइट से मिल जाएगी, कोशिश करूंगा आपको दे दी जाए। थीम को आप सुन लीजिए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। एशिया में भारतीय धर्म तथा विज्ञान का फैलाव, एशिया में भारतीय धर्म तथा विज्ञान का फैलाव प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, ठीक है ना। यानी कि भारतीय धर्म और विज्ञान का एशिया के देशों में क्या फैलाव हुआ है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान दौर तक, इसको लेकर आपको अपनी बातचीत रखनी है इस थीम के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में है, सेपरेट ऑफ इंडियन रिलीजियस एंड साइंस इन एशिया थ्रॉट द एजेस, ठीक है। इंग्लिश का टॉपिक आपको मैं कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी में बता देगा, कुछ समय फिर और लंबा लग जाएगा और आपके पास समय कहाँ है 20 मिनट का वीडियो देखने का, है ना। तो इसीलिए 10 मिनट में सारी बात को खत्म करते हैं। अब आते हैं सीधे टॉपिक्स पर। टॉपिक से पहले APA फॉर्मेट में लिखिएगा शिकागो में, या MLA फॉर्मेट से पेपर मत लिखिएगा, क्योंकि लिटरेचर है और लिटरेचर में साहित्य है और साहित्य की अधिकांश चीज़ें APA फॉर्मेट में चलती हैं। तो जो भी पेपर लिखेंगे अपने रिसर्च प्रपोजल को, अपने रिसर्च पेपर को, तो MLA या शिकागो फॉर्मेट से नहीं लिखेंगे, APA फॉर्मेट से लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सभी का फॉन्ट अलग अलग है। इंग्लिश का जो फॉन्ट है उसका नाम है न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन है, ठीक है, फॉन्ट साइज 12 है। और हिंदी के लिए इसमें, हाँ, ये क्या है, इतना छोटा छोटा लिखा है ना, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। चलिए हिंदी के लिए आप लोग भैया संस्थान से बात कर लीजिएगा, मुझे हिंदी का इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख गया, कृतिदेव 10 को भी हिंदी में लिखा है, कृतिदेव को भी, ठीक है ना। आप सोचिए इंग्लिश को इंग्लिश में लिख देते क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है ईमेल आईडी पर अपना एब्स्ट्रैक्ट और पेपर भी भेज सकते हैं। नामांकन का लिंक आपको दे दूंगा, फिर से बता दूं, 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन, 22 अप्रैल तक फीस सबमिट, 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिट और फुल पेपर आपको भेज देना है, जब भी आप शामिल हो पाएंगे संगोष्ठी में। बकवास हो गई बहुत। और हाँ, एक चीज और, यदि 2 लोग मिलकर पेपर लिखना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पेपर लिखा है लेकिन आपको लगता है कि पेपर लिखने में किसी का आपने सहयोग लिया है, या फिर किसी एक विषय पर पेपर 2 लोग मिलकर लिखना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन है, 1 या 2 लोग मिलकर भी एक पेपर को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी भी मनाही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं, हाँ,
3000 शब्द ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीवर्ड्स जरूर लिखिएगा, रेफरेंस जरूर दीजिएगा, फ्रंट पेज जरूर बनाइएगा। और सीधे टॉपिक्स पे आते हैं, 1, 2, 3, 4 22 टॉपिक्स हैं, 22 मिनट नहीं लूंगा, 11 मिनट भी नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट लूंगा। टॉपिक सुन लीजिए और बाकी सारी बातें आपको बता दी हैं, टॉपिक बताने के बाद वीडियो कर दूंगा समाप्त। नीचे से करते हैं शुरुआत, विज्ञान का विकास तथा अन्य संबंधित मुद्दे। विज्ञान का विकास तथा अन्य संबंधित मुद्दे, विकास हर जगह आ जाता है। अगला विषय है सल्तनत और मुगल काल में विज्ञान का विकास, यानी कि हिस्ट्री आ गई, और हिस्ट्री में भी गुलाम वंश आ गया और मुगल काल से मुगल काल भी आ गया, याद रखिएगा। तो सल्तनत और मुगल काल में विज्ञान का विकास। एक विषय और है प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास, प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास। नेक्स्ट है सूफीवाद और इस्लाम, उसके बाद है भारत में भक्ति आंदोलन के चरण, अगला है शिंतो धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। अब ये शिंतो है, इसका मुझे क्लियर नहीं है शिंतो है या सिंधु है, तो आप कंफर्म करिएगा संस्थान से कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का सामंजस्य मिश्रण। एक विषय और है बौद्ध धर्म और विज्ञान, जैन धर्म और विज्ञान, दो विषय आ गए, बुद्धिज्म एंड साइंस एंड जैनिज्म इन साइंस, ठीक है। फिर इसमें है, अब देखिए ये बुद्धिज्म और विज्ञान, ठीक है, और जैनिज्म और विज्ञान, इसके अलावा कुछ लिखा नहीं है। अब इसको चाहे आप दार्शनिक दृष्टिकोण से समझा दीजिए, चाहे तो इसको विज्ञानवाद या फिर उसके जो अलग अलग संप्रदाय हैं बुद्धिज्म के उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझा दीजिए। 6 संप्रदाय हैं ना, आप सभी जानते हैं बुद्धिज्म के पढ़े लिखे लोग हैं। अगला विषय है एशिया में कन्फ्यूशियस दर्शन का प्रभाव, कन्फ्यूशियस दर्शन का प्रभाव। यदि आप दर्शन के डायमेंशन को समझते हैं, दर्शन के पैरामीटर्स को समझते हैं विचित्र विचित्र कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस कन्फ्यूशियस वाले शब्द को एंशियंट हिस्ट्री वाले पीरियड में अगर पढ़ा होगा, हिस्ट्री में जरूर सुना होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखनी है। अगला विषय है, अब अच्छे विषय आएंगे, यानी कि दार्शनिक और सोशली संबंधित विषय आएंगे। एशिया में विज्ञान और धर्म पर ऐतिहासिक और समकालीन, एशिया में विज्ञान और धर्म पर ऐतिहासिक और समकालीन विशेष अध्ययन, यानी कि विज्ञान और धर्म का एशिया के इस के देशों में ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन हुआ है उसको लेकर अपनी बातचीत रखनी है। अगला विषय है ब्रिटिश उपनिवेशिक भारत में विज्ञान और धर्म के बीच संबंध, ब्रिटिश जो दौर था उसमें उपनिवेशिक जो काल था उस दौर में भारत में ब्रिटिशों का राज था, उपनिवेश का दौर था, उसके अंतर्गत भारत में विज्ञान और धर्म के बीच क्या संबंध था उसको लेकर अपनी बात रखनी है। अगला विषय है आधुनिक युग में विज्ञान धर्म और उनके अंतः संबंध के दर्शन। ये दो विषय मैंने आपको बताए, ब्रिटिश उपनिवेशवादा और आधुनिक युग में विज्ञान। इसके लिए एक बुक बताता हूँ मैं आपको, पाप और विज्ञान, पाप और विज्ञान 1940-41 की बुक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको यदि आप विज्ञान वाले टॉपिक पर काम करना चाहते हैं उपनिवेश वाल के दौर के संदर्भ में। एक विषय और है इसमें तुलनात्मक धर्म और विज्ञान, अगला है प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत में विज्ञान और धर्म के बीच संबंध, इतिहास के साथ साथ लिटरेचर में चले गए अब आप, क्योंकि विषय लिटरेचर एंड हिस्ट्री को साथ लेकर चल रहा है और उसमें भी एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को साथ लेकर चल रहा है, एशिया कह लीजिए या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले विषय पर हम चेक कर चुके हैं छलांग, एशियाई देशों में भारतीय महाकाव्य, भारतीय दर्शन, ज्योतिष और मंदिरों की लोकप्रियता। अब देखिए चार उंगली तीन थी, बोलना चार था, चार कीवर्ड आ गए इसमें। पहला कीवर्ड है इसमें भारतीय महाकाव्य, भारतीय दर्शन और ज्योतिष और मंदिर की लोकप्रियता, सबका संबंध भारत से है, काव्य का भी, दर्शन का भी, ज्योतिष का भी, मंदिरों का भी। अब एक धर्म विशेष से मेरा संबंध तो मैं कह नहीं सकता हूँ, तो मंदिर की जगह आप लोग मस्जिद रख लीजिए, गिरजाघर रख लीजिए, चर्च रख लीजिए, विहार रख लीजिए, मठ रख लीजिए, जो रखना है रख लीजिए, सब हमारे ही तो हैं। तो ठीक है, विषय है एशिया, क्योंकि एशियाई देशों में सब कुछ आता है, और उसमें महाकाव्य इसमें लिखा है भारतीय महाकाव्य, लेकिन कहीं नहीं लिखा है हिंदी महाकाव्य, मराठी महाकाव्य, तमिल महाकाव्य। जिस महाकाव्य को रखना है रखिए, जिस कवि को रखना है उस कवि को रखिए, जिस दर्शन को रखना है उस दर्शन को रखिए, चाहे तत्वमीमांसा रखिए, सांख्य रखिए, योग रखिए, वैशिष्ट रखिए, ज्ञान रखिए, जो रखना है रखिए, जिस धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है उसको रखिए, क्योंकि यहाँ किसी विशेष धर्म की बात नहीं हो रही है, एशियाई देशों में धर्मों की बात हो रही है। अगले विषय पर हम चलते हैं, एशियाई देशों के साथ वैज्ञानिक सहभागिता।
एशियाई देशों के साथ वैज्ञानिक सहभागिता, और एक विषय और है मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय धर्म का प्रसार, यानी कि बुद्धिज्म जैसे जैसे जिन जिन स्टेप से होते हुए, कभी चीन से होते हुए कोरिया, कोरिया से श्रीलंका, श्रीलंका से बर्मा, बर्मा से साउथ कोरिया होते हुए दूसरे देशों में फैला है, उसी प्रकार एशियाई देशों में भारतीय धर्म किस प्रकार से फैला है और खासकर पूर्व एशिया, मध्य एशिया की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग दक्षिण पूर्वी एशिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको ना ग्रिमिटिया पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि धर्म जब ट्रैवल करता है तो उसके साथ बहुत कुछ ट्रैवल करता है। इस बात को समझने के लिए आपको लोहिया, अंबेडकर, रामविलास शर्मा के साथ साथ कार्ल मार्क्स का अध्ययन करना होगा। उनकी पुस्तक का नाम भी यही है, अंबेडकर लोहिया और कार्ल मार्क्स, राइटर को आप खोज लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक विषय और आ गया है, मेडिकल साइंस का विषय है ये विषय है। और मेडिकल साइंस में भी यदि आपने थोड़ा शल्य को पढ़ा होगा ना, एक राजा शल्य थे महाभारत के, तो शल्य चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, यजुर्वेद के अंतर्गत उसी से संबंधित विषय लिया गया है, जो कि है धातु कर्म चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, इसके लिए किताब पढ़िएगा, भारत में अंग्रेजी क्यों, डॉक्टर तुलसीराम की बुक है, दो पार्ट्स में है और पार्ट वन आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक किताब और पढ़िएगा आप लोग, भारत में अंग्रेजी क्यों, भारत में अंग्रेजी क्यों, प्रोफेसर तुलसीराम है, जेएनयू के हैं, उनकी एक पुस्तक है। इसमें आपको भाषा को लेकर, धर्म को लेकर और खासकर विज्ञान को लेकर अच्छे अच्छे तर्क मिलेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये पुस्तक देखिएगा और विषय फिर से रिपीट कर देते हैं, धातु कर्म चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का इतिहास, किताब याद आगे बताते हैं, भारतीय दर्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक है, दो पार्ट्स में, पार्ट्स वन को देख लीजिएगा, पेपर लिखने में हेल्प होगी। तीन विषय और बचे हैं बस, मैंने कहा था आपसे लूंगा 5 मिनट, तीन विषय हैं और मेरे पास 1.5 मिनट अभी बाकी है, तो एक विषय और है धर्म और दर्शन के बीच संबंध। अगला है भारत में दर्शन का विकास और भारत में धर्म का विकास। रामशंकर विद्रोह की कविता की एक लाइन है, ऐसे ही याद आ गया, बोल देते हैं कि धर्म आखिर धर्म होता है, धर्म से बड़ा होता है, धर्म का निर्माता। तो विषय धर्म केंद्रित नहीं है, मैंने कहा ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के निबंध से जैसे मैंने शुरुआत की थी धर्म और विज्ञान की, कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, धर्म के विज्ञान के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तो इसीलिए विषय धर्म और विज्ञान दोनों की बात करता है, यानी कि आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस को किस प्रकार से इस्टेब्लिश करते हैं अपने तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, यही संगोष्ठी का उद्देश्य भी है और यही आपको बताना है, क्योंकि आपके पेपर के माध्यम से आपकी, आपके संस्थान की, आपके राज्य की, आपके देश की एक झलक इस संगोष्ठी में देखने सुनने को पूरी दुनिया को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि बताया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और वक्ता भी इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, नाम लेना उचित नहीं है, किसी का नाम छूट गया तो हो सकता है मेरे जानने वाले या आपके जानने वाले वक्ता या वक्ता के मित्रगण नाराज हो जाएं, तो उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसका वेन्यू भी सुन लीजिए संगोष्ठी का, बकवास हो गई, एक मिनट बाकी है अभी। इसका वेन्यू है स्नातकोत्तर इतिहास विभाग सह अनुसंधान, हिंदी में लिख दिया, आप देखिए संगोष्ठी लिख देते, ठीक है, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, और यह है आपका बलेश्वर, नाम सुना है, बिहार में है बलेश्वर, ठीक है, इस संस्थान है करवा रहा है। एक संस्थान और है इसमें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, ये भी इसमें सहयोग कर रहा है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी चीज़ मैंने कहा ना कि बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, यूजी के, पीजी के, एमफिल के, पीएचडी के, शिक्षक है, असिस्टेंट है, एसोसिएट है और प्रोफेसर है, सोशल वर्कर है, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो भी इसका क्राइटेरिया है मैंने आपको बता दिया, और सभी विषय हिंदी में आपको बता दिए। इंग्लिश के लिए जो ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा उस पर संपर्क कर लीजिएगा, और मोटा मोटा अगर समय हो आपके पास तो कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश के बच्चों के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चाहते हैं तो, क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी देना उचित नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि 70% ऑडियंस मेरी हिंदी वाली है, लगभग 70%, और 30% इंग्लिश वाली है, तो अगर उन 30 में से 30 बच्चों का कमेंट भी आ गया कि हमको चाहिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश के कंटेंट के साथ वीडियो आपको बना देंगे, क्योंकि टाइप करना पॉसिबल नहीं है इतना सारा कंटेंट, 7-8 पेज का कंटेंट है, वह भी PDF में है, वर्ड में नहीं है, तो पेस्ट कर दिया, टाइप करने में दिक्कत होती है, और वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है। तो ये संगोष्ठी है, होइए शामिल, जो जानकारी आपको दी उसको लेकर कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और तय समय पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। दो संगोष्ठी की सूचनाएं और हैं, जैसे ही मिलता है समय उस पर वीडियो आपको दे देंगे। आपने अपना 15 मिनट का लगभग समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम, आदाब, जय हिंद, टेक केयर।